आज दिनांक 26 और 2024 को भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज धावा धस भीम के सर्वोच्च निदेशक ने गाजियाबाद में वाल्मीकि समाज पर दिनांक 24 और 2024 को आकाश चंदेल व उनके साथी पर भीम आर्मी के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए हमले का संज्ञान लेते हुए हमलावरों की गिरफ्तारी कराने के लिए गाजियाबाद अपने साथियों सहित कुछ किया। भीम अनार्य जी मुरादाबाद गुजरते मुरादाबाद के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं को संबोधित कर आगे आंदोलन करने के लिए तैयार रहने का आह्वान किया। इस मौके पर भीम अनार्य जी का मुरादाबाद पहुंचने पर हार फूल माला पहनाकर स्वागत अभिनंदन किया गया। गाजियाबाद जाते हुए कैलाश वाल्मीकि, एकलव्य वाल्मीकि जी, दिलीप वाल्मीकि, मुकेश चौधरी व अन्य साथी मौजूद रहे। नीरज पारशर, राष्ट्रीय महामंत्री भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज धावा धस भीम जी, सबसे पहले तो आपका नाम जानना चाहेंगे। मुझे भीम अनार्य कहते हैं, मैं राष्ट्रीय प्रमुख हूँ भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज धावा धस भीम का। अच्छा, आज मुरादाबाद कैसे आगमन हुआ है? मुरादाबाद में यहाँ पर हम एक मीटिंग करने आए थे, शनिवार के दिन हमारे वाल्मीकि समाज के लोगों के साथ बहुत बड़ी अप्रिय घटना हुई है। भीम आर्मी के लोगों ने चंद्रशेखर आज़ाद की सेह पर हमारे जो रॉयल वाल्मीकि आर्मी है उसके प्रभारी आकाश चंदेल जी के साथ गंभीर मारपीट हुई है और उनकी गंभीर चोट आई है। तो उसको लेकर आज यहाँ मुरादाबाद में मीटिंग थी और आज हम लोग यहाँ मुरादाबाद से सीधे गाजियाबाद जा रहे हैं उनका हालचाल लेने और उनका पूछना करने। हाँ, आपके कार्यकर्ताओं ने कल भी ज्ञापन वगैरह कुछ दिया है? ये मुरादाबाद में ही बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में ये ज्ञापन दिए जा रहे हैं और जब तक चंद्रशेखर को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा तो इसी तरह के ज्ञापन और प्रशासन से भी हम मांग कर रहे हैं कि वो जल्दी से जल्दी चंद्रशेखर को गिरफ्तार करे, उसके खिलाफ FIR दर्ज करे और कहना में उसके जो साथी इसमें शामिल थे उनको तुरंत जेल भेजना चाहिए, क्योंकि ये चंद्रशेखर की सेह पर ही सारा कुछ हुआ है और अगर उसके बाद गिरफ्तार नहीं की गई तो हमारा प्लान चल रहा है कि हम नगीना में जाकर चंद्रशेखर आज़ाद के खिलाफ प्रदर्शन और प्रोटेस्ट करेंगे। तो आप यहाँ से कहाँ गाजियाबाद जाए? हम गाजियाबाद जाने का हमारा प्लान है और गाजियाबाद जाएँ।